क्या दिक्कत है माता जी आपको, क्या सर हिला रही है? होश में है अभी? होश में नहीं, कब आए भी होश में नहीं? जितने लोग पैसे में जितने लोग अपना नाम बताइए आप। हम पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ अभी समाचार आया है कि आप लोग गढ़पालिया से आए हैं एक समूह में होके। क्या बात है, किस इतने सारे लोग आए हुए हैं, किस बात को लेके आए हैं आप? हमको लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, हम लोग प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे और रोग बीमारी चंगा करते हैं और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए चोरों की तरह, गए वो भी, हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया, हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके हमारी चाबी भी छीने, हमारा जो हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी, हम बदतमीज़ हैं यहाँ पे भी हमें गाली दी है। यही कानून चलाते ये लोग, संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खाते वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर प्रभु हम, मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी, शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि मैं, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ ख़त्म है अब। तो मैं रोने लगी, मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी, ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है, है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो प्रभु मेरे, परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊँ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे धर्म स्थानांतरण की नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, चाहे मुझे कोई मार के फांसी पर चढ़ा दे। बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार, यहाँ पे कोई दलित नहीं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और ब्राह्मण भी है, चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे, कोई भी यहाँ कोई चमारी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ही सत्य हूँ और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, चाहे मार दे, चाहे जो, जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया होता कोई, हम ना हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया, पूछ लीजिए अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है, तो सब बोलते रहे पैसा देके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन, क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए मुझे 1 करोड़, देखती हूँ मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ, दीजिए पैसा, कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे, हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था, ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ, उमरिया बाजार दौलतपुर। बताइए अगर कोई गलती की है तो पाप किया है, क्यों आखिर ले आए हैं? और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। Thank you.
ये तो जहाँ भला हो ये देखिए सर सर इन्हें देखिए हेलो सर 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 मसीही भाई बहनों यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह, मेरे मसीही भाई बहनों, ये वीडियो जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का है और वहाँ पर अचानक कुछ असामाजिक तत्व लोग पहुँचते हैं जहाँ पर यीशु मसीह का दुआ प्रार्थना होता है। कुछ पुलिस प्रशासन को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ईसाई धर्म परिवर्तन होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, जब वहाँ पे पहुँचा मौके पे पुलिस, तो वहाँ पे क्या पुलिस ने पाया, वहाँ पे यीशु मसीह की आराधना दुआ करते हुए पाया गया। जैसा कि ये बहन बता रही थी कि मैं आंखों को बंद करके प्रार्थना कर रहा था और मैंने इस बहन को कॉल करके फ़ोन पे सारी वहाँ के घटना स्थल की जानकारी प्राप्त किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब इसके पास लोग पहुँचा तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोग आंखों बंद करके दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और तभी चारों तरफ से घेर लिया पुलिस, जैसे कि कोई आतंकवादी है आया है। जैसे कि यीशु मसीह की आराधना नहीं, भगवान की उपासना नहीं, कोई आतंकवादी वहां पे बैठा हुआ है और उस तरीके से चारों तरफ से घेरा गया और उस पर हमला किया गया पुलिस प्रशासन ने। जैसे कि उसने बताया कि डंडा हर एक चीज़ों को लेकर घेरा गया। जब वहां पे देखा कि वहां पे यीशु मसीह की आराधना हो रहा है, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है, फिर भी कुछ असामाजिक तत्व के जीत के कारण उस पर ईसाई धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनके पिता को और उनके कुछ जो प्रचारक हैं जहाँ पे लोग प्रचार कर रहे थे उसको जेल में चलान कर दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। मेरे वसी भाई बहनों, ये परसों की घटना है और पूरी विस्तार रूप से जानकारी हमारी टीम जो है, जितने भी ईसाई समाज की टीम जो है इस पे लग चुके हैं और जो लोग झूठा आरोप और जो लोग ये असामाजिक तत्व बार बार उसे इस प्रकार के बता रहे हैं कि हम अगर दोबारा आइंदा से यहाँ पे ईसाई को पूजा करते हुए देखेंगे तो इसी तरीका से ठोकाई होगा। मेरे वसी पर महिलाओं लोगों के साथ अभद्र शब्दों का यूज किया गया और लोग वहाँ के जो असामाजिक तत्व लोग जो हैं उस महिलाओं लोगों को जो यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे, जो बैठे हुए थे पुरुष और महिलाएं, उनको भी गाली गलौज किया गया मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन हम लोग जो वहां पे दुआ प्रार्थना करने वाले लोग थे, उसने एक शब्द नहीं बोला। उसने वहां पे यही बोला कि हम यीशु की आराधना दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, उन लोगों को कौन समझाए, उन लोगों को तो हम लोग समझाने से रहे मेरे मसीह भाई बहनों। और प्रशासन को यहाँ पर निष्पक्ष जाँच करना चाहिए। हम प्रशासन से अपील करते हैं, यदि आपने किसी को अकड़ा है झूठा या सच्चा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, तो पहले सबसे पहले प्रशासन का पहला नियम है कि उसे जांच पड़ताल करें कि क्या वहां पर ईसाई धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, वहां पर बिना सबूत का, बिना जांच पड़ताल का सीधा उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि वहां पर कोर्ट से उसे, हमको पता है कि परमेश्वर उसे रिहाई दे देगा, क्योंकि वो कोई ऐसी बात वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात कोई है ही नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं, अपने ही ईसाई समाज के लोग जो हैं, यह सब चीज़ देखते हैं लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो अपने चर्च के प्रति प्रेम तो दिखाते हैं, लेकिन जहाँ पर यीशु मसीह की आराधना दुआ प्रार्थना हो रहा है और वहाँ पर रोक भाई साहब, एक मामला है कि धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के कुछ लोग अपना प्रार्थना यीशु मसीह का करके धर्म परिवर्तन अपने ग्राम में करवाया जा रहा था, जिसमें बजरंग दल के निमित्त सारे लोग वहां पहुंचे और माननीय कोतवाल साहब जी को लेकर के वहां उपस्थित हुआ गया और वहां से उन लोगों को पकड़ के लाया गया, जिसमें आज एक लोग का चालान करके जेल भेजा गया है और एक को कल भेजा जाएगा। ये तो सही है, किंतु ये एक मनगढ़ंत अपने हिसाब से ये लोग एक नया नियम कानून बना के चल रहे हैं। अगर इन लोगों को एक चीज़ सख्त हिदायत देना चाहता हूँ, हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, अगर उस नियम के आधार पे ये लोग चलना चाहते हैं सनातन धर्म को लेके, तब तो ठीक है। अन्यथा अगर धर्म परिवर्तन करा करके नया नियम पे चलेंगे तो हम बजरंगी भी हैं, हम इस जगह से उस जगह कूद करके इनको ठीक करके अपने धर्म में ले आने का भी काम करेंगे। लेकिन वो तो कानून की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। नहीं, हमारा कानून राम से चलता है, हम सनातनी हैं।